पंजाब च 2017 तो लैके आम आदमी पार्टी वालों विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नशा तस्करी नू लैके मामला दर्ज करवाया गया सी, जिस तो बाद आज एक बार फिर तो दिल्ली दे मेंबर पार्लीमेंट संजय सिंह अमृतसर दी कोर्ट दे विच पेश होए ने अते उस तो बाद उन्हां वल्लों कुंवर विजय प्रताप दे दफ्तर दे विच वर्करां दे नाल मीटिंग कीती गई। इस दौरान उन्हां दा कहना है कि उन्हां दी अमृतसर दे विच पेशी सी ते जिस दे विच ओह पेश होण लई आए सन ते जो मुहिम उन्हां दे वल्लों विक्रम सिंह मजीठिया दे खिलाफ छेड़ी होई है उसे अंजाम तक जरूर जाणगे। इस दे नाल ही किसान अंदोलन का समर्थन करदे केंद्र सरकार ते की निशाने साधे ने आओ सुनदे आ। देखिए ये तारीख लगी हुई थी आज कोर्ट की, तो उसमें मैं पेश होने के लिए आया था कोर्ट में। अब अगली तारीख जो लगेगी उसके हिसाब से न्यायालय की लड़ाई चल रही है। सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसमें समय लग सकता है लेकिन जीत सच की होगी। लेकिन जो पंजाब के हालात देख रहे हैं, कैसे आपको लगता है कि 2022 में क्या इशू हो सकते हैं? जैसे बरगाड़ी का भी इशू बहुत बड़ा था, ड्रग का। देखिए पंजाब में जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस आई थी, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। नशा मुक्त पंजाब बनाने का वादा इन्होंने किया था, किसान को खुशहाल करने का वादा इन्होंने किया था, बेरोजगारी दूर करने का और नौजवानों को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था। हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी फेल रही है और कांग्रेस का काम जो है वो इस वक्त आपस में लड़ाइयों में बीत रहा है। दोनों लीडर उनके आपस में लड़ने में समय बिता रहे हैं। कांग्रेस और अकाली दल का एक गठजोड़ पंजाब में काम कर रहा है जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और जो अभी तक के सर्वे आ रहे हैं, सर्वे के नतीजे आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से बड़ी जीत के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी। जैसे किसानों के द्वारा रैली की गई, बहुत बड़ा मैंडेट मिला उनको वहाँ पर, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि किसान फैक्ट करेंगे? देखिए जो चिंगारी पंजाब से फैली थी पार्लियामेंट में, आपको याद होगा हम लोगों ने भी उसको बहुत मजबूती से उठाया था, और आज पंजाब से उठी हुई चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। किसान इनको बख्शेगा नहीं, इनकी जमानतें जब्त कराएगा। जैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या समझते हैं जैनमन है? जैसे लाठीचार्ज जो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और जो ये हिटलर शाही है, लोकतंत्र के अंदर लाठी का क्या काम है? लोकतंत्र संवाद से चलता है, बातचीत से चलता है, समाधान से चलता है, वहाँ लाठी का क्या मतलब है? आप बताइए, इस देश का करोड़ों किसान 9 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन एक अहंकारी सरकार देश में चल रही है जिसके इशारे पे कैप्टन अमरिंदर साहब भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पंजाब के लोग देख रहे हैं इस बात को। तो अगर 9 महीने आज़ादी के बाद कोई आंदोलन आज तक चला हो तो बताइए, उस आंदोलन को आप कुचल रहे हो, उनको खालिस्तानी कहते हो, पाकिस्तानी कहते हो, देशद्रोही कहते हो, उनके सामने आप चाइना की तरह बॉर्डर बनाते हो, कीले गाड़ते हो। तो ये इस देश के अन्नदाता का अपमान है। जो लोग किसानों को मवाली कहते हैं, दरअसल वो बवाली लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम इसीलिए हम लोगों ने भारतीय बवाली पार्टी रख दिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी, भगवंत मान का जो है सीएम का चेहरे के लिए सब लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, भगवंत वो पार्टी का विषय है।